नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 यानी कि यूपीटीटी 2022 स्थगित को लेकर बड़ा अहम कदम उठाया जा चुका है। जैसा कि आप लगातार परेशान थे, मांगे कर रहे थे कि जो ये परीक्षा ये स्थगित की जाए, तो अब आप सभी की जो परेशानी है वो खत्म हो चुकी है और बहुत ही अहम कदम उठाया गया है और इसका श्रेय आप सभी को जाता है। और आप सभी जो है इस मुहिम में लगातार शामिल थे, इसीलिए इतना बड़ा कदम उठाया गया है। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिक्षक भर्तियों की पल पल की ऑथेंटिक अपडेट के लिए, साथ ही इसी प्रकार के लगातार प्रयास के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, क्योंकि यूनिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि लगातार छात्रों के द्वारा यहां पर जो ट्वीट है वो किया जा रहा है, मांगे की जा रही है कि जो ये परीक्षा ये स्थगित की जाए। यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम सभी परीक्षार्थी इस बात को समझ भी रहे हैं और आपको इस बात का भी सम्मान करते हैं, आपके इस बात का सम्मान करते हैं कि आप चाहते हैं कि यूपीटीटी की परीक्षा, किंतु आदरणीय बढ़ते महामारी के चलते आपको कोई भी परीक्षार्थी यह कभी नहीं कहेगा कि आप परीक्षा नहीं करा पाए। इसके अलावा यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यूपी में कोरोना विस्फोट हो चुका है, लगातार जो मामले हैं ये जो है दुगने तिगने चौगुने रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं। देखने को मिलेगा कि हरदोई में सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं, एक दिन में 540 कोरोना संक्रमित यहां पर पाए गए हैं और यह एक रिकॉर्ड बन चुका है। इसके अलावा भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि 353 लोगों की खतरनाक वायरस ऐसे मौत भी हो गई है। तो जो है इन सभी चीजों को देखते हुए आज की डेट में एक बड़ी मीटिंग भी होने वाली है सीएम योगी आदित्यनाथ जी की, तो उसमें जो है बड़ा फैसला लिया जाने वाला है। और इसीलिए आप सभी से लगातार बोला जा रहा है कि आप जो है इस हैशटैग के जरिए अपनी बातों को रखें और इस हैशटैग में ज्यादा से ज्यादा जो है ट्वीट करके इस हैशटैग को ट्रेंडिंग पर लाएं, जिससे आप सभी कामयाब हो सके। और अब तो पूरी पूरी उम्मीद भी बन चुकी है और बाकी मीटिंग का जो भी फैसला होगा उससे आप सभी को अवगत करवा दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।